हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो लोकी का एपिसोड 4 आ चुका है जिसका नाम था हार्ट ऑफ द टीवी, एंड एपिसोड वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग था। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरी पिछली एपिसोड 3 की वीडियो पर आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया जिसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करूंगा कि आप लोग इस वीडियो पर भी वैसा ही रिस्पॉन्स दें। खैर, आगे बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। तो इस एपिसोड में हमें काफी सारे सवालों के जवाब तो मिले ही, लेकिन एपिसोड में इतनी टेंशन क्रिएट हो रही थी कि जिसको हम फील कर पा रहे थे, जिसकी वजह से और भी कई सारे सवाल पैदा हुए हैं। तो बिना वक्त गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे। मेरा नाम है मानस, मैं हूँ अमेरिका का दलाल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका का दलाल बहन, पहले एपिसोड 4 का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ एपिसोड 3 खत्म हुआ था। मिस मिनट फ्रेमोना को उसका सीक्रेट बताती है, जहाँ पर हमें उसके और कैंग के बीच की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है जिसको हमने एपिसोड 1 में भी सुना था। कैंग यहाँ रवोना को धोखा देता है। उसके बाद मिस मिनट्स और रवोना टीम अप कर लेते हैं। उधर विक्टर टीवी पहुंचता है और सेल्वी, लोकी और मोबियस भी वहां आते हैं। वो लोग विक्टर को ओबी और कैसी के पास लेके जाते हैं टेम्पोरल लूम ठीक करने के लिए। उधर B-15 जनरल डॉक्स को मनाने की कोशिश करती है कि अब वो टीवी को बचाने के लिए उनका साथ दे। B-15 के जाते ही वहाँ रवोना और मिस मिनट्स आ जाते हैं, उनको अपना साथ देने के लिए बोलते हैं, जिसमें सिर्फ X-5 इस बात के लिए मानता है। बाकी सबको मिस मिनट्स बहुत ही बेरहमी से मार देती है। फिर X-5 विक्टर टाइमली को किडनैप करके इंटेरोगेट करता है। उधर हमें एपिसोड 1 के शॉट्स एक अलग एंगल से देखने को मिलते हैं। फिर ओबी टीवीए का सारा सिस्टम रीस्टार्ट करता है, जिससे अब टीवीए में मैजिक भी वर्क कर सकता है। फिर लोकी सेल्वी X-5 पर मैजिक करते हैं, जिससे वो रेंसलेयर को प्रून कर देता है। उधर बाकी सब विक्टर की मदद से ब्लास्ट डोर को ओपन कर देते हैं। फिर विक्टर थ्रूपुट मल्टीप्लायर को लॉन्चर में लगाने जा ही रहा होता है कि वहां पर रेडिएशन इतनी ज्यादा होती है कि उसका चाउमीन बन जाता है मिस्टर फैंटास्टिक की तरह। और फिर टेम्पोरल रूम पर प्रेशर बढ़ने की वजह से वो फट जाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। अब सबसे पहला सवाल हमारा यह आता है कि आखिरी एंड में हुआ गया और विक्टर टाइमली क्या मर चुका है? तो हाँ, इसके 90% चांसेस हैं कि वो शायद मर चुका है और अब वो कभी वापस भी नहीं आने वाला, और विक्टर टाइमली आगे चल के ही हू रिमेंस बनेगा। उसके मरने से ये थ्योरी भी गलत साबित हो गई, क्योंकि मिस मिनट्स जाते जाते बोलती है कि तुम उसके जैसे नहीं बनने वाले, और ही हू रिमेंस एक कॉन्करर था और थोड़ा सा ईविल भी था, और विक्टर टाइमली एक इनोसेंट प्रोफेसर है, तो दोनों की पर्सनैलिटी में बहुत फर्क था। तो मेरे हिसाब से या विक्टर टाइमली इज डेड। अब बात करते हैं कि आखिर एंड में हुआ क्या। तो टेम्पोरल रूम पर प्रेशर पड़ने की वजह से पूरा का पूरा टाइमलाइन ही डिस्ट्रॉय हो गया है, और अब लोकी टीवी में मैजिक का तो यूज कर ही सकता है। तो मेरे हिसाब से अब लोकी टाइमलाइन को ठीक करने जाएगा, और हमने ट्रेलर में उसका इस आउटफिट में एक शॉट भी देखा था। तो हाँ, मेरे हिसाब से लोकी अपने मैजिक की मदद से टाइमलाइन को वापस से रिस्टोर कर लेगा, और फिर टीवी दोबारा से शुरू होगा, और जितने भी वर्कर्स टीवी में काम कर रहे थे वो शायद वापस से अपनी जिंदगी में लौट गए होंगे। क्योंकि ट्रेलर में हमने कैसी का ये वाला शॉट और B-15 का ये डॉक्टर वाला शॉट भी देखा था, जिससे इस थ्योरी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और अब टीवी दोबारा से शुरू होने जा रहा है, तो मेरे हिसाब से हमें एक और नया कैंग का वेरिएंट इस सीजन में देखने को मिलेगा, जो टीवी पर अब रूल करने आएगा। और इस नए कैंग के साथ ही शायद मार्वल वाले कैंग डायनेस्टी को सेटअप करेंगे। क्या पता है सीजन के एंड में हमें काउंसिल ऑफ कैंग्स देखने को मिल जाए। तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है, और टीवी को दोबारा से शुरू होने की वजह से शायद लोकी को फिर से टाइम स्लिपिंग का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेलर में हमने लोकी के इसी आउटफिट में उसका एक टाइम स्लिपिंग का भी शॉट देखा था। अब बात करते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स की, पर आखिर यह होता क्या है? तो कोई भी ऐसी चीज जो कंटिन्यू हो रही है लेकिन उसका कुछ ओरिजिन नहीं होता, उसे हम बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहते हैं, जो कि इस एपिसोड में हमने देखा भी। वो भी कहते हैं कि उसने अपनी बुक में जो भी लिखा है वो विक्टर टाइमली से इंस्पायर्ड होकर लिखा है, और विक्टर बताते कि उसने जो भी इन्वेंशंस क्रिएट किए हैं वो ओबी की गाइड बुक से किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स का ही पार्ट है। और इसके बाद ओबी कहता भी है कि स्नेक ईटिंग इज ओन टेल, जो कि उसके नाम का ही मतलब है, जहां पे एक सांप अपनी ही पूंछ खा रहा होता है, जिस वजह से ना तो उसका कोई स्टार्ट है ना कोई एंड, बस एक सर्किल क्रिएट हो रहा है। और अगर मेरी पहली टीवी वाली थ्योरी सच है तो इसका मतलब टीवी भी बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स का ही पार्ट है। अब इस एपिसोड में हमें ऑलरेडी काफी सारे सवालों का जवाब मिला। पहला तो कि आखिर उस फोन पे कॉल कौन कर रहा था, तो वो और कहीं नहीं बल्कि ओबी ही था, और लोकी को प्रून किसने किया था, तो वो खुद लोकी ही था, और इस बात को काफी सारे फैंस ने नोटिस कर लिया था, एंड इवन ये बात तो मैंने भी बोली थी कि लोकी को लोकी ने ही प्रून किया है। तो अब बात करते हैं रेवोना रेंसलेयर की, जिसको X-5 ने प्रून कर दिया था। तो क्या अब वो मर चुकी है? तो नहीं यार, वो मरी नहीं है। जैसा कि हमें पता है कि जब भी कोई प्रून होता है तो वो वॉइड में पहुंच जाता है,
तो रेवोन अभी वॉइड में पहुंच गई है, जहां पर हमने ट्रेलर में उसका ये वाला शॉट भी देखा था, जो कि अब हमें देखने को मिलेगा। और अब वो भिड़ेगी एलॉयड से, जिसको शायद वो कंट्रोल भी कर लेगी, क्योंकि अगर वो कैंग के साथ एंड ऑफ टाइम तक गई है तो उसने प्रॉबली एलॉयड का तो सामना पहले भी कैंग के साथ किया ही होगा, तो इस बार भी शायद कर लेगी। हाँ, बट इस बार उसको शायद थोड़ी सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़े। इसके बाद एक जो चीज़ काफ़ी सारे फैंस कनेक्ट कर रहे थे वो था प्रोटोकॉल 42। तो एक्चुअल में नंबर 42 मार्वल मल्टीवर्स का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में हमने अर्थ 42 देखा था, जहाँ पे इविल माइल्स मोरेलस रहता था, एंड इवन अपने ओरिजिनल वाले माइल्स को भी 42 नंबर के स्पाइडर ने काटा था। तो हम बस ये 42 नंबर की इंपॉर्टेंस को दिखाते हैं, इसका लोकी से ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा तो तुम्हें बता दिया। मिस मिनट्स हर एपिसोड के साथ ही बहुत ही अनॉइंग होती जा रही है, और अगर इस सीरीज के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की माने तो अगले 2 एपिसोड इस सीजन के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ना सिर्फ इंपॉर्टेंट बल्कि और भी ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। खैर, अब अगले 2 एपिसोड में क्या होगा इसके लिए हम सभी एक्साइटेड हैं। तो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो, जहां पर हमने एपिसोड 4 के ऊपर बात की, और अब हमारा इस सीरीज के साथ मजा और भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर अभी आपको ये वीडियो देख के मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। आपके पास कोई फैन थ्योरी है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो अगर आपको लोकी के बाकी एपिसोड्स का ब्रेकडाउन देखना है तो आप उसके लिए मेरी ये वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। बाकी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो यार, हम 2K सब्सक्राइबर्स के बहुत ही क्लोज हैं।